जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की फिल्म भारत और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म केसरी, जिसे आज दुनिया भर में रिलीज किया जा चुका है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। दोस्तों सबसे पहले अक्षय कुमार की फिल्म केसरी की बात करें तो ये फिल्म सलमान खान की फिल्म भारत के मुकाबले काफी लो बजट की फिल्म है, लेकिन ये फिल्म रिलीज से पहले क्रिटिक्स को एंटरटेन करने में पूरी तरह कामयाब रही। इस फिल्म के सभी कास्ट की एक्टिंग से लेकर स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट रही। हालांकि इस फिल्म की कहानी सड़ागढ़ी की लड़ाई पर आधारित है, लेकिन मेकर्स ने इस फिल्म को इतना बेहतरीन ढंग से बनाया है कि ऐसा लगता है कि इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को शानदार ढंग से दर्ज किया गया हो, जिसमें राष्ट्रवाद, देशभक्ति, वीरता, पैमाना और आत्मिकता दिखा है। इस फिल्म को क्रिटिक्स के द्वारा 5 में से 4 स्टार देते हुए आउटस्टैंडिंग बताया गया। हालांकि दोस्तों आज होली के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया जा चुका है, पर दोस्तों आज ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि ये फिल्म फैंस को कितना ज्यादा एंटरटेन कर पाता है। वैसे भी दोस्तों अब के फैंस किसी भी फिल्म को बजट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं देखते, तो ऐसे में इस फिल्म का आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही ये निर्धारित करेगा कि ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। हालांकि दोस्तों देश भर में इस फिल्म को काफी अच्छा खासा स्क्रीन मिला है। ऐसे में फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वहीं दोस्तों सलमान खान की ईद पर रिलीज होने वाली बिग बजट फिल्म भारत फिल्म की बात करें तो ये फिल्म काफी जबरदस्त है। हालांकि अभी तक इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया जा चुका है, और बात करें इस फिल्म के ट्रेलर की तो इस फिल्म का ट्रेलर अगले महीने के अंत तक रिलीज किया जाएगा। वहीं दोस्तों इस फिल्म के कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान और कटरीना के साथ बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज कलाकार इस फिल्म के लीड रोल में हैं। वहीं इस फिल्म को अली अब्बास जफर के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 200 करोड़ इस फिल्म के टीजर ने रिलीज होते ही पूरे YouTube पर 2 दिनों तक नंबर 1 ट्रेंड कर रही थी। हालांकि टीजर में सलमान खान के 5 अवतार दिखाई दिए, इनके अलावा इस टीजर में किसी भी कास्ट को दिखाया नहीं गया था। जबकि इस फिल्म में सलमान खान के साथ कटरीना कैफ, दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और वरुण धवन जैसे कई दिग्गज कलाकार इस फिल्म के लीड रोल में है। पर बताया जा रहा है दोस्तों की इस फिल्म के ट्रेलर में सभी कास्ट को दिखाया जाएगा। अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो जैसा कि दोस्तों ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज किया जा रहा है, और ऐसे भी सलमान खान को ईद का किंग कहा जाता है। कहा जा रहा है कि अगर ये फिल्म अच्छी हुई और फैंस को एंटरटेन करने में कामयाब रही तो ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाएगी, क्योंकि सलमान खान की फैंस फॉलोइंग काफी बेहतरीन है और वो भी ईद के मौके पर फैंस के सर चढ़कर बोलता है। लेकिन अगर फिल्म अच्छी ना हो तो ईद हो या दिवाली, किसी भी फिल्म का फ्लॉप होना तय हो जाता है, क्योंकि फैंस फिल्म में अच्छे कास्ट के साथ अच्छी फिल्म को भी देखना चाहते हैं। तो दोस्तों अक्षय की केसरी और सलमान खान की फिल्म भारत, इन दोनों ही फिल्म में से कौन सी फिल्म होगी इस साल की सबसे बड़ी फिल्म, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हमारा ये न्यूज अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।